हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर एकेडमी डेट इज़ अचीवर्स एकेडमी दिस साइड निशा शर्मा होप यू ऑल आर फाइन सो आज से सुबह साढ़े ग्यारह बजे से एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि स्कूल खुल गए हैं बच्चे स्कूल चले गए हैं तो सुबह का शेड्यूल अब मेरा फ्री हो गया है रात वाली सीरीज़ जो अपनी नौ बजे वाली है एज इट इज़ है वो डी एस एस बी एन के वी एस की रहेगी और सॉरी डी एस एस बी एन चंडीगढ़ की रहेगी और सुबह साढ़े ग्यारह या बारह के अराउंड यही साढ़े ग्यारह के अराउंड साढ़े ग्यारह पौने बारह जो भी है एक सीरीज ये हम नई स्टार्ट कर रहे हैं आज से इस सीरीज़ में आपको जीएस हो सकती है इस सीरीज में सी के पेपर्स हो सकते हैं मतलब मिसेलनियस चीज़ें इस सीरीज़ में रहेंगी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी ठीक है तो ये सीरीज भी अब डेली होएगी आपकी मंडे टू फ्राइडे मंडे टू सैटरडे और वो सीरीज रात वाली भी डेली होएगी तो ये एक नया अपडेट था आप लोगों के लिए ठीक है अब डेली आऊंगी साढ़े चाहे कुछ मर्जी पढ़ाऊं बट मिलूंगी डेली चलो सो so, अब मार्च uh, खत्म हो चुका है आज है फर्स्ट अप्रैल देर इज नो अप्रैल फुल ठीक है पढ़ लो तो आज है फर्स्ट अप्रैल और पूरे मार्च के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट हो सकते हैं देखो किसी भी महीने में ना वैसे तो बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कहीं कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ लेकिन हमें काम करना है उन इश्यूज पर जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं इनसे रिलेटेड जो 2023 के जीआई टैग थे वो मैं स्पेशल करवा चुकी हूं ठीक है तो आज हम मार्च के बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो करवाए वो करते हैं ठीक है और ऑलरेडी मार्च के ही करेंट के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ इससे पहले ये एक सेकेंड पार्ट आप कह सकते हो और इनके अलावा आपको जनवरी फरवरी मार्च में कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है तो मार्च मंथ करंट अफेयर्स सबसे पहले तो इलेक्शंस का क्रेज है तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की उम्मीद पूरी पूरी हो सकती है एग्जाम में आप किसी के कमेंट नहीं लिए जाएंगे बिल्कुल लास्ट में रिप्लाई करूंगी ठीक है तो सबसे पहले इलेक्शन जो कमिश्नर इलेक्शन जो अपना आयोग होता उसके है उसके अंदर दो कमिश्नर नियुक्त किए हैं हाल फिलहाल आपको उनका नाम याद रखना है तो एक का नाम है आपको सुखबीर संधु ठीक है एक का नाम है सुखबीर संधु और दूसरे का नाम है गणेश कुमार ठीक है तो एक का नाम है सुखबीर संधू और दूसरे का नाम है गणेश कुमार लेकिन जो मुख्य चीफ है वो आपको ध्यान रखना है यदि आपसे पूछा जाए हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन जो आयोग है आपका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के चीफ आपसे पूछे चीफ तो ध्यान रखना है राजीव कुमार आप करेंगे चीफ के अलावा दो और हैं जो अभी हाल फिलहाल मार्च में नियुक्त किए गए हैं सुखबीर संधू एंड गणेश कुमार ठीक है तो यू भी क्वेश्चन पूछ सकता है तीनों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अभी इस साल जो मिस वर्ल्ड हुआ था आपको पता है इंडिया में मिस वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम होता है नाइनटीन नाइन्टी के अराउंड हुआ था इंडिया में अब की बार मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे मिस वर्ल्ड के कंपटीशन बट बट दुर्भाग्य है कि इंडियन नहीं है मिस वर्ल्ड ठीक है दुर्भाग्य नहीं भाई जो भी है शी डिजर्व वो डिज़र्व करती थी बट मतलब इंडिया में हो तो इंडियन बने तो थोड़ा क्रेज़ हो जाता हम जैसों को चलो तो इस बार जो मिस वर्ल्ड बनी है उन उनका नाम है क्रिस्टिना क्रिस्टना पिजकोवा ठीक है ध्यान रखेंगे इस बार जो मिस वर्ल्ड बनी है मिस वर्ल्ड 2024 मार्च के अंदर जो बनी है उनका नाम क्या है भाई उनका नाम है क्रिस्टिना पिजकोवा विश्व सुंदरी इंडिया में तो आई थिंक छह विश्व सुंदरी बनी है एक रीता फारिया बनी थी डायना हेडन आई थिंक युक्ता प्रियंका चोपड़ा ऐश्वर्या राय एंड लास्ट मानुषी छिल्लर 2017 में उसके बाद तो शायद कोई मिस वर्ल्ड नहीं बनी है और जो वो कंफ्यूज है लारा दत्ता एंड सुष्मिता सेन वो मिस यूनिवर्स है ठीक है यहाँ पर वर्ल्ड की बात चल रही है ठीक है हाँ मिस वर्ल्ड के अंदर बेसिकली यही बनी थी रीता फारिया डायना हेडन युक्ता मुखी प्रियंका चोपड़ा एंड यू आर यू आर मानुषी छिलर इज द लास्ट आई थिंक उनके बाद कोई मिस वर्ल्ड नहीं बनी है ठीक है हाँ तो क्रिस्टिना पिस्कोवा बनी है मिस वर्ल्ड आपको ध्यान रखना है चेक गणराज्य ठीक है ये कहां से है भाई चेक गणराज्य ये भी आपको ध्यान रखना है चेक गणराज्य से है ये और ये 71 एडिशन था मिस वर्ल्ड का जो कि मुंबई में हुआ था तो आपको ध्यान रखना है रनर अप कौन रही है भाई यासमिना जायटान ठीक है मिस वर्ल्ड के जो कंपटीशन होता है उसके अंदर बात करें रनर अप कौन रही है तो रनर अप रही है जा, यासमिना जायटान यस मैं आपको जो जीएस करवा रही हूँ वो मोर देन सफिशियंट हो जाएगी अभी हम बीस क्लास कर चुके हैं बीस भी नहीं हम बीस भी नहीं आई थिंक हम पच्चीस प्लस क्लास कर चुके हैं तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मोर देन सफिशियंट रहेगा ठीक है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये मोर देन सफिशियंट रहेगा और पीआरटी के एग्जाम तक तो और भी पढ़ा दूंगी मेन मेन बहुत इंपॉर्टेंट जीएस पढ़ाई है मैंने आपको सारी ठीक है तो ये लेबनान की थी ये आपको ध्यान रखना रनर अप क्योंकि देखो मिस वर्ल्ड को तो हर कोई याद करेगा लेकिन एग्जामिनर भी तो स्मार्ट है तो वो रनर अप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ध्यान रखना है याशमिन जायटान नेक्स्ट है ओकर अवार्ड लास्ट वीडियो में डिटेल से बता दिए थे मैंने उसका अवार्ड ठीक है इसलिए यहां पर इन शोट ओस्कर अवार्ड 2023 का मिला है ओपेन हाइमर जो मूवी है ठीक है ओपेन ओस्कर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है आपको पता ही होगा अकेडमी अवार्ड भी इनको बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ओस्कर अवार्ड मिला है ओपेन हाइमर को ठीक है ध्यान रखेंगे ओस्कर अवार्ड मिला है इस साल का ओपेन हाइमर मूवी को मिला है ओस्कर अवार्ड ठीक है आ, तो आपको ये याद रखना इंडियन जो फर्स्ट थे आपको उनको भानु अथैया याद होगा फर्स्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया थे इंडियन जिनको पहला अवार्ड मिला था यह जनरल सा पॉइंट है वैसे याद रखना बाकी के ऊपर कभी डिटेल वीडियो देखेंगे बना देंगे जी एस सीरीज चली रही है तो हाँ एक्टर है किलियन मर्फी ठीक है एक्टर था किलियन मर्फी जो उसकर के इसी मूवी के जो एक्टर थे तो वो थे किलियन मर्फी लास्ट जो दो मार्च का हमने फर्स्ट वीडियो किया था उसके अंदर डिटेल से आगे थे छह के छह अवार्ड ठीक है फिर अभी जो नाटो है नाटो एक संस्था है आपको पता है जिसके अंदर बेसिकली यदि हम बात करें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं नाटो के अंदर ठीक है नाटो क्या है भाई नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक नाटो जो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अलाइंसिस करते हैं संधि करते हैं ट्रीटीज करते हैं तो नाटो का अभी हाल फिलहाल बत्तीसवां सदस्य बना है याद रखेंगे कौन बना है तो स्वीडन बना है ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी पूरी हो सकती है क्योंकि हाल फिलहाल नाटो के बत्तीसवें सदस्य बने हैं स्वीडन नाटो में कितने सदस्य हैं बत्तीस बत्तीसवां कौन बना स्वीडन नाटो क्या है नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो पॉलिटिकल अलायंसेस करते हैं ये 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था नाटो जिसके अंदर यूरोप एंड आपका जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स है उनसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं ठीक है हां क्लियर तो ध्यान रखेंगे बेल्जियम में इसका हेड है ये भी याद रखेंगे एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है अभी हाल फिलहाल एक बहुत ऊंची टनल जो है बनाई गई है जिसका नाम है सेला टनल दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सेला टनल ये कहाँ बनाई गई है भाई अरुणाचल प्रदेश में तेरह हजार फीट ऊंची है ये कहते हैं चीन यदि कोई आक्रमण करेगा मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा टेक्निकल से इस जो टनल को बनाया गया है जिसका नाम है सेला टनल ध्यान रखेंगे सेला टनल कहाँ अरुणाचल प्रदेश मतलब पूरी इंडिया की जो ये ईस्टर्न है ना एरियाज इसमें आपको पता वहां चीन का बॉर्डर पड़ता है तो इस तरीके से ये टनल बनाई है कि कभी चीन पर अटैक हुआ या चीन ने अटैक किया या इंडिया ने चीन पर किया वट चीन और इंडिया की कभी लड़ाई हुई फ्यूचर के अंदर तो इस टनल से बहुत बेखूबी इंडियंस मतलब अपना मैनेज कर पाएंगे तो तेरह हजार फिट ऊंची जो है ये टनल है आपको ध्यान रखना है सेला टनल पूछे कहां पर है अरुणाचल प्रदेश ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तेरह हजार फिट अभी हाल फिलहाल इंडिया के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं नाम याद रखना बस बाकी कुछ नहीं है विनय कुमार ठीक है हाल फिलहाल इंडिया के राजदूत हैं जो कि रशिया में नियुक्त किए गए हैं नाम है उनका विनय कुमार तुम्हें लगेगा एक तुम कोई भी बच्चा ये बातें करेगा ना मुझसे पेपर पोस्टपोन होने की मैं है ना कुछ बोल दूंगी चुपचाप पढ़ लो कोई पेपर पोस्टपोन नहीं होगा तुम्हारा जी नहीं भरा एक साल से तैयारी करते करते बावड़े हो तुम चंडीगढ़ का पेपर अब भी पोस्टपोन होता है। तो मैं चंडीगढ़ को पढ़ाना छोड़ दूंगी सच बताऊं मैं पक चुकी हूँ एक साल हो रहा है जून के तीस जून को फॉर्म आए थे एक जुलाई को एक जुलाई को फॉर्म आए थे एक जुलाई अप्रैल आ गया अट्ठाईस अप्रैल को पेपर है पूरा एक साल होने वाला है किसी ने नाम लिया ना पेपर पोस्टपोन होने का भाग जाओ क्लास से <laughs> एन वाले तो पूछते भी अच्छे लगे बेचारे चंडीगढ़ वाले भी अब भी ये बोलेंगे कि पेपर पोस्टपोन होएगा क्या तुम तो भाई महानिकमे को फिर दुनिया में मैं तो पेपर पोस्टपोन होगा ना चंडीगढ़ का मैं तो पढ़ाना छोड़ दूंगी चंडीगढ़ पीआरटी को थक चुकी हूँ मैं इतना पढ़ा चुकी हूँ इस चंडीगढ़ पी को हाँ ठीक है रशिया तो रशिया के नहीं रात फिर तो मैं ना चंडीगढ़ को छोड़ के बस डी एस पे काम करूंगी पूरा अच्छे वाला बहुत हो गया भाई पेपर नहीं पोस्टपोन होगा पढ़ लो चुपचाप हाँ रशिया का राजदूत विनय कुमार ये जो तुम्हें इलेक्शंस वाला भैम है ना मेरी बात को ना दिमाग खोल के सुन लो इलेक्शन मान लो उस दिन होगा ना तो अगले वीक हो जाएगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा पढ़ लो चुपचाप हाँ यस इकतीस फिनलैंड बना है वेरी गुड ई एफ ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने नाटो का जैसे बत्तीस स्वीडन बना है इकतीस फिनलैंड बना था वेरी गुड शाबाश ठीक है तो रशिया के राजदूत है विनय कुमार आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत शक्ति यह क्वेश्चन आ सकता है भारत शक्ति एक्सरसाइज कहां पर हो रही है तो राजस्थान में पोखरण में आई थिंक राजस्थान पोखरण में भारत शक्ति क्या है भारत शक्ति भारत की जो तीनों सेनाएं हैं जल सेना थल सेना अपनी जो तीनों सेनाएं हैं जल सेना वायु सेना थल सेना तीनों सेनाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है देखो इसका नाम ही क्या है भारत शक्ति ठीक है इसका नाम ही क्या है इसका नाम है भारत शक्ति भारत शक्ति का क्या मतलब है समझ रहे हो कि भाई भारत ये दिखा रहा है कि मैं एक बहुत पावरफुल कंट्री हूं मेरे पास देखो क्या क्या है तुम्हें खरीदना है तुम खरीद लो हमसे नहीं तो तुम्हें तुम देख लो हमारे पास तो इतनी पावर है युद्ध करोगे तो हम बजा देंगे तुम्हारी तो कहने का मतलब इंडिया अपनी पावर को दिखा रहा है इस एक्सरसाइज के थ्रू ठीक है तो तीनों सेनाओं का ये एक कंबाइंड एक्सरसाइज है आपको ध्यान रखना राजस्थान के पोखरण में हो रही है सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा भारत शक्ति एक्सरसाइज कहा आयोजित हुई फिलहाल में ही भारत शक्ति एक्सरसाइज कहां आयोजित हुई ठीक है बस इतना सा याद रखना बाकी कुछ याद नहीं करना ठीक है हाँ क्लियर तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये पीडीएफ अचीवर एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी गई है और मर्ज कर दूंगी पीडीएफ को कुछ और क्लास होने दो फिर एक मर्ज पीडीएफ भी दे दूंगी बाद में ठीक है अभी हाल फिलहाल कौन सा देश है जो कि सिटीजन के अंदर संशोधन संशोधन लाया है अमेंडमेंट लाया है सिटीजन एक्ट के तहत मतलब नागरिकता संशोधन एक्ट कौन से देश ने अभी हाल फिलहाल पास किया है तो ध्यान रखने भारत देश भारत देश ने क्या बोला है भाई भारत देश ने बोला है कोई पाकिस्तान से बंदा है भारत बड़ा महान है कोई आ जाओ हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे हमें टेंशन नहीं है भारत देश कहता कोई है कोई अफगानिस्तान से बंदा है कोई पाकिस्तान से बंदा है कोई बांग्लादेश से बंदा है कोई टेंशन नहीं है बट वो गैर मुस्लिम होना चाहिए कहने का मतलब मुस्लिम नहीं होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम है तो आप प्रॉपर वहीं के सिटीजन हो गए है ना गैर मुस्लिम का मतलब आप हिंदू हो आप सिख हो आप क्रिश्चियन हो आप कोई भी हो तो आप इंडिया में आओ कोई टेंशन नहीं है हम तुम्हें नागरिकता देंगे हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे तो ध्यान रखेंगे आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ, मिलेगा कि जो नागरिकता संशोधन है क्रेश कोर्स आज मिल जाएगा आपको शाम को ऐप के ऊपर अभी बन रहा है वो शाम को विजिबल हो जाएगा ऐप के ऊपर चंडीगढ़ पीआरटीज का क्रेश कोर्स ठीक है तो नागरिकता संशोधन आपको ध्यान रखना है तो भारत ने इसको पास किया किन तीन देशों के लिए ये वर्ड्स इसने बोले हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश गैर मुस्लिम यहां पर ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड गैर मुस्लिम जो भी होंगे और वो यू कहेंगे हमें अपने देश से प्रॉब्लम है हमें खतरा है हमें कोई इश्यूज है तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी आपको पता आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो नागरिकता के बहुत सारे प्रोविजन होते हैं आप अपने आप को शरणार्थी बताते हैं मान लो आप इंडिया से गए हो ठीक है मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ और आप कहो कि इंडिया से मुझे खतरा है ठीक है तो आप भाई मैं इसलिए इस देश में आया हूँ तो भी नागरिकता मिल जाती है मतलब बहुत सारे प्रोविजन होते हैं नागरिकता सिटीजनशिप मिलने की वहां की लड़की से शादी कर लेते हैं तब मिल जाती है डंकी मूवी देखी होगी आपने हाल फिलहाल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस थी ठीक है तो शाहरुख खान में देश प्रेम की भावना थी तो उसने बिल्कुल भी ये वर्ड यूज नहीं किए हैं तो मतलब इस तरीके से कॉन्सेप्ट है तो गैर मुस्लिम्स को नागरिकता दी जाएगी ध्यान रखना हाल फिलहाल कौन सी मिसाइल यूज हुई है जो कि कॉन्टिनेंट मिसाइल है कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीपों के ऊपर महासागर महाद्वीपों के ऊपर से काम करेगी वो मिसाइल कोई युद्ध युद्ध हो जाता है तो अग्नि फाइव है उसका नाम ठीक है अग्नि फाइव है नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग मतलब जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं किशोर मकवाना ठीक है आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं भाई किशोर मकवाना क्लियर याद रखें किशोर मकवाना जो आपके शेड्यूल जो ट्राइब्स है शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जाति है उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं भारत के कौन भाई किशोर मकवाना आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है हम्म अभी हाल फिलहाल ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा को एक पुरस्कार दिया गया है जिस पुरस्कार का नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार ठीक है जिस पुरस्कार का नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार आपको ध्यान रखना है चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है भाई ग्रीष्मा कुठार एंड ऋतिका चोपड़ा क्या है ये चमेली देवी जैन पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है महिलाओं को स्पेशली ध्यान रखना यदि कोई महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट करती है तो उस महिला को यह पुरस्कार दिया जाता है कौन सा भाई चमेली देवी जैन पुरस्कार तो ध्यान रखना है ये तो 2023 का किसको मिला ग्रीषमा कुठार एंड ऋतिका चोपड़ा दोनों को ही कंबाइंड रूप से जो है पुरस्कार मिला है कंबाइंड इन द सेंस इंडिविजुअल है बट मतलब दो लोगों को मिला है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित होती है मुंबई ने जीती है ध्यान रखेंगे मुंबई ने जीती है विदर्भ को हरा के तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र का एक नगर है जिसका नाम है अहमद नगर ठीक है तो अहमद नगर का हाल फिलहाल नाम बदल के रख दिया गया है अहिल्ला बाई तो अहिल्ला के नाम आपने सुना होगा इनके जो कॉपरेशन रहा है हर चीज में तो अहमद नगर से थे ये तो अहमद नगर का नाम बदल के नगर रख दिया गया है फिलहाल महाराष्ट्र में पड़ता है ये अहमद नगर आपको ध्यान रखना है ठीक है काव्या बहुत जरूरी नहीं है नेक्स्ट है विश्व खुशहाली में इंडिया का रैंक क्या है अभी हाल फिलहाल जो एक रिपोर्ट आई है खुश रहने में इंडिया का क्या नंबर है तो खुश रहने में इंडिया का नंबर है एक ठीक है खुश रहने में इंडिया का नंबर है एक फिनलैंड है नंबर वन फिनलैंड सबसे खुशहाल देश की कैटेगरी में आता है ठीक है फिनलैंड सबसे खुशहाल देश की कैटेगरी में आता है क्लियर ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर लास्ट में बताऊंगी मैं एक बार क्लास पूरी कर लो लास्ट में आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मैं लास्ट में रिप्लाई करके जाऊंगी ठीक है ना फोकस ऑन द क्लास क्लास के बीच यदि आप क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहे हो आपके तो वो क्लास खराब हो जाती है ठीक है सब देख रही हूं मैं क्वेश्चन बट लास्ट में रिप्लाई करेंगे वेलकम संतोष तो यहां पर जेंडर इनइलिटी के अंदर जो जेंडर सूचांक है उसमें इंडिया की रैंक 108 है और खुशहाली में इंडिया की रैंक 126 आपको याद रखना है हाँ अभी हाल फिलहाल आपने एक न्यूज बहुत ट्रेंड में सुनी होगी कि हैती अंदर हैती जो ग्रुप्स लड़ाइया हो रही हैं हैती के अंदर बहुत सारी लड़ाइया हो रही हैथी देश है कैरेबियन सिटी के अंदर तो कैरेबियन जो आइलैंड है वहां पर है हैती तो हैती में ना आपस में ही लोग लड़ रहे हैं बढ़ रहे हैं मतलब भयंकर बेकार हालात हो रखे थे तो हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया था तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं तो हैती से भारतीयों को सुरक्षित लगने के लिए एक अभियान चलाया था जिस अभियान का नाम है इंद्रावती ऑपरेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है याद रखेंगे इंद्रावती ऑपरेशन क्लियर प्रो कबड्डी लीग जीता है पलटन खास इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है पुनेरी पलटन ये लास्ट क्लास में आ चुका था हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई महिला प्रीमियर लीग जो है आईपीएल महिलाओं का जो है वो किसने जीता है भाई वो आईपीएल महिलाओं का रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है आरसीबी टीम है ये रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ठीक है इसने महिला प्रीमियर लीग जीता है 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये याद रखेंगे ठीक है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे लिए बड़ी खेद की बात है कि हम जीके में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कैपिटल दिल्ली ठीक है ये रिपोर्ट आई है तो इसके अंदर दिल्ली को दुनिया की सबसे नॉट ओनली इंडिया दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल घोषित किया गया है ये दिल्ली है मेरी जान ठीक है दिल्ली वालों सुन लो तो यहां पर और देश बांग्लादेश है जो कि सबसे प्रदूषित देश की कैटेगरी में आता है और राजधानी है हमारी प्यारी दिल्ली जो कि हमें जब ये आयोजन होते हैं तो बहुत खूबसूरत नजर आती है लेकिन ये बहुत ही प्रदूषित है भगवान इसका प्रदूषण दूर करे दिल्ली वासी हम्म अब भाई आपके इलेक्शंस होने हैं 2024 में तो इलेक्शन का क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है अब सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है इलेक्शन कितने फेजेस में होगा इलेक्शन तो सबको पता ही होगा अपने मार्च जो ये मई है मई के अंदर अपने लोकसभा इलेक्शन होते हैं कई बच्चे ना लोकसभा और विधानसभा में कंफ्यूज होते हैं मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट में बताती हूँ बिल्कुल एक छोटा सा बच्चों की तरह है। ठीक है कई बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं देखो आपको पता है एक तो होता है सेंटर और एक होता है स्टेट ठीक है ना कई सारे स्टूडेंट ने हमें से क्वेश्चन पूछ लिया मैडम हम कंफ्यूज होते हैं हमें समझ नहीं आता ये इलेक्शंस का क्या मुद्दा है क्या सीन है मैं आपको एक जनरल सा बताती हूँ एक तो होता है सेंटर ठीक है सेंटर मतलब जिसमें अपना पूरा देश हो गया ठीक है और एक होता है अपने देश के जो ट्वेंटी पूरे के पूरे स्टेट हैं ठीक है थीके? एक स्टेट हो गए एक सेंटर हो गए सीधी सीधी सी बात है तो सेंटर में जब इलेक्शन होते हैं तो पीएम चुने जाते हैं मतलब सेंटर के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो पीएम नहीं एमएलए एमपी चुने जाते हैं सही बताऊं तो ठीक है बताऊंगी तो सेंटर के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो एम के लिए होते हैं ठीक है सेंटर के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो किसके लिए होते हैं भाई तो सेंटर में जो इलेक्शन होते हैं वो किसके लिए होते हैं आपको ध्यान रखना है बेसिकली वो एम के लिए होते हैं ठीक है हाँ और इन्हीं के बहुमत दल का नेता अपना प्रधानमंत्री होता है याद होगा और जो स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं वो एमएलए के लिए होते हैं ठीक है स्टेट के अंदर इलेक्शंस होते हैं किसके लिए एमएलए के अंदर ध्यान से सुनो यहां से तीन चार क्वेश्चन आएंगे आपको भी हाल फिलहाल एक ट्रेंड सुना होगा कि जो जिसके अध्यक्ष बने थे अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वन नेशन वन वोट वन इलेक्शन वन नेशन कुछ इस तरीके से उन्होंने एक स्लोगन दिया था है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन कि एक देश का एक इलेक्शन होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शन साथ होने चाहिए ये इसके ऊपर एक कमेटी गठन है और इसके ऊपर काम चल रहा है भविष्य में ऐसा हो सकता है ब्रिटेन में ऐसा होता है ठीक है ब्रिटेन के अंदर ऐसा होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फिलोसफी है वो ब्रिटेन ने अपना रखा है तो इंडिया में भी इसके ऊपर काम चल रहा है सितंबर में इसकी रिपोर्ट जो है बनाई है इसके अध्यक्ष हैं श्री रामनाथ कोविंद जी जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने हाल फिलहाल जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनको ये रिपोर्ट हैंडओवर की है तो वो क्या कहते हैं भाई कि एक देश एक इलेक्शन मतलब आपका सेंटर और स्टेट का इलेक्शन साथ होना चाहिए तो ये जो इलेक्शंस होते हैं ये लोकसभा इलेक्शंस हम इनको बोलते हैं जिसपे पांच सौ तिरतालीस सीटों के ऊपर वोटिंग होती है है ना आपको पता है रूल क्या होता है जो 50 परसेंट से ज्यादा एक सीट मतलब पांच का फिफ्टी कर दो फिफ्टी से ज्यादा जो सीटें ले लेता है और वो क्या होती है पार्टी वो पार्टी विजयी हो जाती है और फिर वो पार्टी वो जो ये 543 चुने जाते हैं ये क्या होते हैं भाई इनके लिए जो हम वोटिंग करते हैं एमपीज़ की वोटिंग होती है लेकिन अब इन 545 में से जो 50 परसेंट से ज्यादा सीटें ले लेता है वो उसको बोलते हैं भाई बहुमत दल का नेता वो और उस दल का जो नेता होता है उस पार्टी का जो नेता होता है उस पार्टी का नेता क्या होता है प्रधानमंत्री सीटों के लिए इलेक्शन तो होते हैं नब्बे सीट है हरियाणा में विधानसभा की तो नब्बे एमएलए चुनते हैं जो कि अपने अक्टूबर में होने वाले हैं ठीक है हरियाणा में जो इलेक्शन है वो अक्टूबर में आएंगे तो उससे पहले या उससे बाद में वैकेंसीज जरूर आएंगी आपको पता इलेक्शन का मुद्दा है तो वैकेंसी वैकेंसीज मैंने सीटेट की क्लास बोली थी बिल्कुल कल सीटेट की क्लास होगी लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मार्च खत्म हुआ है पहले मार्च के करंट करवाऊंगी फिर सीटेट स्टार्ट कर देंगे क्योंकि करंट महीने में एक बार होता है सेलेक्टेड होता है फर्स्ट एक तारीख को ठीक है तो एमएलए यहां पर 90 MLA's जो है चुने जाएंगे अक्टूबर में इन नाइनटीज में से आपको पता है 45 प्लस 45 से ऊपर एक 40 भी हो गई तो जो सीटें ले, ले लेता है वो अपनी क्या बना लेता है सरकार और इन एम का एल का जो अपना एक वो होता है अध्यक्ष होता है एमएलए का जो अध्यक्ष होता है वो अपना सीएम बन जाता है वो अपना मुख्यमंत्री बन जाता है जीके का क्वेश्चन है याद रखेंगे मार्च में हरियाणा का मुख्यमंत्री चेंज हो गए मनोहर लाल खट्टर जी अब मुख्यमंत्री नहीं है नायाब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री है दिस इज आलसू जी क्वेश्चन ठीक है तो आपको ध्यान है और जब सफल बहुमत नहीं मिलता है सेंटर में तो सफल बहुमत की बातें चल रही हैं मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार का ठीक है जबकि यहां चाहिए तो आपको इसका देख लो आधा करके मतलब 220-25 के राउंड शीट बट मोदी जी का नारा है चार सौ पार ऐसे नारा दिया जा रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा बट मैं जरूर बता रही हूं कि यहां पर सफल बहुमत मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर जैसे हरियाणा में पिछली बार आपको पता है सफल बहुमत नहीं मिला था मतलब किसी भी पार्टी को 46 सीटें नहीं मिली थी तो फिर वहां पर गठबंधन की सरकार बन जाती है दो पार्टीज मिलकर जो है सरकार बना लेते हैं तो ये सिंपल सा था एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमें समझ नहीं आता तो इनको हम लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं इनको हम विधानसभा इलेक्शन बोलते हैं ठीक है जो स्टेट वाले होते हैं इनको हम विधानसभा इलेक्शन बोलते

अब हाँ अब बात चल रही है भाई वोट होंगे तो अब कितने चरणों में होंगे सबसे पहले ये याद रखना है कितने चरणों में इलेक्शंस होंगे तो सेवन फेजेस में होंगे अब की बार ठीक है लोकसभा के जो इलेक्शंस होंगे वो सेवन फेजेस में होंगे सात चरणों में जो है वोटिंग की जाएगी आपको ध्यान रखना है इसकी जो टैगलाइन है अब दो हज़ार के इलेक्शंस की जो टैगलाइन रहने वाली है वो है चुनाव का पर्व देश का गर्व चुनाव का पर्व देश का गर्व आपको पता है अठारह साल से ऊपर का बंदा जो है वोट दे सकता है वोट हमारा अधिकार होता है डेमोक्रेसी ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कब मेरे को पॉलिटिक्स बहुत पसंद थी पॉलिटिक्स इन द सेंस आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स आई लाइक पॉलिटिकल सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था मैं बहुत पढ़ाती थी पहले जीएस में और कब बहुत मज़ा आता है पॉलिटिक्स को कभी पढ़ाऊंगी हाँ ठीक है हाँ अभी तो मैंने इन शॉर्ट बताया है कभी डिटेल में तुम्हें इतना मज़ा करवा दूंगी तुम्हें कहते ना बोरिंग लगता है मतलब तुम्हें इतना मजा आएगा मैं तुम्हें पूरी राम कहानी ऐसे समझा दूंगी मैप बना के कि कैसे प्रधानमंत्री बनते है, कैसे राष्ट्रपति कैसे मुख्यमंत्री क्या सिनेरियो होता है सब कुछ ठीक है चलो अभी कम टू द पॉइंट तो चुनाव का पर्व देश का गर्व ये आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट तो मैं ना बहुत पढ़ा दूँ लेकिन मुझे ना शर्म आती है मुझे ऐसा लगता है लोग कहेंगे मैडम बाहुड़ी हो रही है सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाती है क्योंकि रियलिटी ये है कि जब दो में मैंने अकेडमी खोली ना मैं अकेली टीचर थी और मैं एस्टेट का जो एस का एस्टेट होता था वो मैं अकेली पास करवा देती

चार जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो चार जून को आ जाएगा चार जून को पता चल जाएगा तुम्हें कौन बना है अपना प्रधानमंत्री ठीक है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नया क्वेश्चन है याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप जारी किया है जिसका नाम है नो यूअर कैंडिडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप जारी किया है उस ऐप का नाम क्या है उस ऐप का नाम है नो यूअर कैंडिडेट ठीक है नो यूअर कैंडिडेट इसका मतलब क्या है कि आप एक वोटर हो अब आपको डाउट है कि मेरा कैंडिडेट कैसा है जिसको मैं वोट डालने जा रहा हूं वो कैसा है तो इस ऐप के ऊपर आपको सभी कैंडिडेट्स की राम कहानी मिल जाएगी क्या उसने क्या पंगे करे थे अपने जीवन में क्या उसने अपराध करे मतलब पूरी राम कहानी आपके कैंडिडेट की आपको इस ऐप आप के ऊपर मिल जाएगी तो गवर्नमेंट कहती है इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई जब आप वोट डालोगे तो बिल्कुल फेयर वोट डालो आपको पता होना चाहिए आप किस बंदे को वोट डालने चाहिए आप पहले की जगह ये नहीं है एक ए तू है ना फूल के वो कह रहे हो कमल का फूल पे उंगली दबाई हो और हाथ पे उंगली दबाई हो पहले जमाने में क्या बोलते थे गांव में आपको याद है कि वोट किसको देनी है तो आपको नहीं पता आप किस बंदे को वोट दे रहे हो ए कमल के फूल पे लगा दियो ए हाथ पे लगाई हो ए पंखे पे लगाई हो हाथी पे लगाई हो ऐसे बोलते हैं लोग ऐसे ही करते हैं इलेक्शन अपनी एमपी कौन बनेगा यू शुड नो अबाउट दैट है ना तो उनको बताने के लिए आपको नो यूअर कैंडिडेट आप सरकार ने लॉन्च की है मार्च के अंदर ध्यान रखेंगे ठीक है और क्या चल रहा है भाई इलेक्शंस में वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष हैं और ये यहाँ पर अट्ठारह हज़ार समथिंग पेजेस का एक पूरा पन्ना तैयार किया गया है जिसमें वोटिंग हुई है बहुत सारे लोग पक्ष में है बहुत सारे विपक्ष में हैं भविष्य में ऐसा हो सकता है वन इलेक्शन वन नेशन का मतलब क्या है कि आपके सेंटर और स्टेट के इलेक्शन बिल्कुल एक साथ होने चाहिए जैसे कि आपको पता अलग अलग स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होते हैं सेंटर में अलग होते हैं तो ये फिलॉसफी इन फ्यूचर आ सकती है अभी कोई सीन नहीं है ठीक है अभी ऐसा कोई सीन नहीं है आपको ध्यान रखेंगे बस ये से तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है ठीक है हाँ। क्लियर? चलो एक ड्रैगन फायर नाम से ये कुछ मतलब अपनी मिसाइल्स नहीं होती जैसे देश की रक्षा के लिए कुछ कुछ बना देते हैं तो ऐसे हाल फिलहाल मार्च के अंदर एक ड्रैगन फायर नाम से मिसाइल लॉन्च की है ब्रिटेन ने ध्यान रखेंगे ठीक है इंडिया की है हेलिना इंडिया की रक्षा के लिए टैंक विरोधी मिसाइल है, हेलिना। ठीक है? ड्रैगन फायर के बारे में कहते हैं छोटे से छोटे ही चीजों को टारगेट करेगी राष्ट्रीय विकलांग आईकन अभी हाल फिलहाल किसको बनाया गया है शीतल देवी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विकलांग जो है राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन अरे कहते हैं ना भाई किसी को हम अपना आइकन मान लेते हैं जैसे यूथ आइकन बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी को बोलते हैं ना ऐसे तो इसी तरीके से जो अपना आइकन बनाया गया है आ, विकलांग के लिए ठीक है डिसेबल्ड पर्सन विकलांगता जो आइकन बनाया है वो शीतल देवी को बनाया गया है यू you नो know? हुई शीतल देवी शीतल देवी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है शीतल देवी एक पैरा उल... मतलब कहते हैं ना भाई पैरा ओलंपिक पैरा तीर अंदाज है मतलब अर्चरी के अंदर है ये और इनके हाथ नहीं है ठीक है और ये पैरों से अर्चरी करती हैं, पैरों से तीरंदाजी करती हैं और देखो भाई कितनी टैलेंटेड है और अर्जुन अवार्ड इनको मिला है ठीक है हाँ केबीसी में भी आई थी मैम शीतल देवी मुझे नहीं पता दीप मैंने नहीं देखा ठीक है तो शीतल देवी आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन इनको 2023 सम्मानित किया गया है नवाजा गया बनाया गया है मार्च के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका ठीक है ना पैरों से तीरंदाजी करने वाली महिला है ये वेरी इंपॉर्टेंट देखो जो लोग शिकायत करते हैं कि मुझे ये नहीं है मुझे ये नहीं है इनको देखो है हाँ ना हाथ नहीं है तब भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है और क्या चाहिए 2023 का सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आपको पता है बेसिकली जो सरस्वती सम्मान है आपको पता है भारत के संविधान में जो आठवीं अनुसूची है वहां पर भाषाओं का जिक्र है ठीक है तो आठवीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है उन 22 भाषाओं में आप किसी भी भाषा में कुछ सर्वश्रेष्ठ यदि करते हो कुछ खास आप कर देते हो तो आपको यह पुरस्कार दिया जाता है जिस पुरस्कार का नाम है क्या भाई सरस्वती सम्मान तो ध्यान रखेंगे सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया है भाई प्रभा वर्मा नाम से ये लड़की जैसा लग रहा है बट ध्यान रखना ये मेल है ठीक है कहीं सोचो कि यह लड़की है क्योंकि नाम लग रहा है ना प्रभा देख के ऐसा कि प्रभा नाम लड़कियों का होता है तो ये मेल है याद रखेंगे ठीक है सरस्वती सम्मान 2023 मिला है प्रभा वर्मा को मिला है मलयालम कवि हैं ये ठीक है मलयालम कवि हैं इनका जो क्या बोलते हैं उपन्यास है रौद्र सात्विकम ठीक है इनका जो वर्क है रौद्र सात्विकम रौद्र सात्विकम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2023 से नवाजा गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट पर्सन थे जिनको इस सरस्वती सम्मान दिया गया था तो अमिताभ बच्चन के पापा हरिवंश राय बच्चन थे ठीक है क्योंकि वो भी बहुत अच्छे कवि थे अरे धनुष बाजी करती हैं ये हाथ नहीं है शीतल देवी के पैरों से तीर चलाते हैं पैरों से तीर अंदाजी करते हैं ठीक है और अर्जुन पुरस्कार जो कि खेलों का सबसे बुरा पुरस्कार इनको दिया गया है ठीक है इंडिया की अभी हाल फिलहाल एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है लेमिते क्वेश्चन आ जाए लेमिते एक्सरसाइज इंडिया की किसके साथ हुई है तो मेक श्योर sure आपको याद रहे जो लेमिते एक्सरसाइज है वो इंडिया की किसके साथ हुई है सेशेल्स के साथ ठीक है सेशेल्स देश है सेशेल्स देश के साथ जो एक आइलैंड है मतलब ये छोटा सा तो यहाँ पर लेमिते का मतलब होता है मित्रता टाइप में मतलब कोई एक्सरसाइज हुई है सिंपल सा याद रखना अजीब सा नाम है पेपर वाले कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं ठीक है तो लेमिते एक्सरसाइज सेलेश के साथ हुई है याद रखेंगे ठीक है नो यूर कैंडिडेट मैंने आपको बता दिया इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल एक ऐप लॉन्च किया है ठीक है अभी हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चक्रवात आया था तूफानी अभी मार्च मार्च के करंट है मार्च का ही मुद्दा है ठीक है उसका नाम था मेगन ये क्वेश्चन बड़े आते थे पहले जब मैं एग्जाम दिया करती जब हमेशा ना इनके क्वेश्चन आते थे चक्रवात कौन सा आया तूफान कौन सा आया ठीक है तो भी आ सकते हैं तो ध्यान रखना मेगन नाम से एक जो है बहुत भारी बारिश का जो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर तूफान आया था फिलहाल आपको क्वेश्चन आएगा बस सीधा फिलहाल मेगन नामक तूफान कहां आया था बस ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में हाल फिलहाल आया गया तूफान कौन सा था मेगन बस ऐसे याद रखना किरली ये मेगन किरली दो तूफान आए थे ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल फिलहाल मार्च के करंट अफेयर्स एक एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पिक करने की मैंने बहुत कोशिश की है बाकी तुम कमेंट तो करते नहीं हो खैर वीडियो तुम्हें कैसी लगती है जीएस में एफर्ट्स कैसे लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ जीएस सब्जेक्ट के लिए मास्टरी नहीं मेहनत तो चाहिए होता है डाटा कलेक्ट करना सही डाटा ऑथेंटिक डाटा चेकआउट करना उसको चेक करना और फिर आप तक पहुँचाना और फिर पूरे महीने के इंपॉर्टेंट निकालना तो एफर्ट्स बहुत लगते हैं जीएस के एक भी क्लास में लाती हूँ तभी अल्टरनेट डेज पे लाती हूँ तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लगता है हाँ, ठीक अब भी हाल फिलहाल मैंने लास्ट क्लास में आपको फर्स्ट एआई टीचर के बारे में बताई थी आयरिश याद होगी केरला में फर्स्ट एआई टीचर जिसका नाम था आयरिश इसी तरीके से फर्स्ट एआई इंजीनियर बना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ध्यान रखेंगे जिनका नाम रखा गया है डेविन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खत्म करेगी क्या भविष्य में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फर्स्ट एआई इंजीनियर बना है जिनका नाम है डेविन अब भैया ये डेविन एक कॉग्निशम जो कॉग्निजम कंपनी है इसने डेविन को तैयार किया है और डेविन सेकंडों में अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर देगा जैसे हम बेचारे लोग मेहनत करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं ये डेविन सेकंडों में सॉफ्टवेयर डिजाइन कर देगा ठीक है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी खतरे में आ गई <laughs> ऐसा कुछ नहीं है ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ए टेक्निक्स आजकल आपको पता है ट्रेंड कर रही है ठीक है हाँ लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट इंडिया की ए टीचर पढ़ी थी आज हमने फर्स्ट ए इंजीनियर पढ़ा है डेविन हाल फिलहाल फ्रेंच ओपन 2024 फाइनल जो पुरुष युगल का प्राइज किसको दिया गया है बैडमिंटन में होते हैं ये आपको पता है ठीक है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये पहले के क्वेश्चन में भी आ चुका है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ठीक है चीनी ताइपे की जोड़ी को हटाकर जो, जो है इन्होंने दिया है क्लियर हाल फिलहाल एक रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्टारशिप ठीक है एलन मस्क सुना होगा आपने एलन मस्क का नाम शायद सब जानते होंगे गोरा चिट्टा सुंदर सा एलन मस्क है ना जो कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क है ना पता होगा आपको एलोन मस्क ने अपनी एक स्पेस प्राइवेट स्पेस कंपनी भी बनाई है जिसका नाम क्या है स्पेस ठीक है स्पेस एलोन मस्क की कंपनी है एलोन मस्क कहता है भाई नासा क्या कर रहा है इसरो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता मैं तो भाई कुछ यूनिक कर रहा हूं ठीक है तो ये भाई एक स्टारशिप बना रहा है मतलब एक बहुत बड़ा रॉकेट है रॉकेट में एक बंदे दो बंदे तीन बंदे चार बंदे जाते हैं ये कहता है मेरा रॉकेट बंदों को लेके जाएगा मंगल ग्रह के ऊपर ठीक है दो बार प्रयास हो चुके हैं लेकिन दो बार असफल प्रयास हुए हैं लेकिन देखो बंदे में गट्स भाई दो बार असफल हो गया तो क्या हो गया तीसरी बार मेरा प्रयास सफल होकर रहेगा ठीक है अब ये तीसरी बार प्रयास कर रहा है हाल फिलहाल इसने लॉन्च किया है ये स्टारशिप तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टारशिप नाम से जो एक ताकतवर रॉकेट है वो एलोन मस्क की जो प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स ने जो है लॉन्च किया है ध्यान रखना जो कहता है कि मैं सौ लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाऊंगा दो बार इसका परीक्षण हो चुका है दोनों बार असफल हुआ है बट एलोन मस्क को विश्वास है कि तीसरी बार मेरा परीक्षण सफल होगा ठीक है विश करते हैं भाई सफल हो बढ़िया बात है है ना मार्च में बहुत ही इवेंट हुए क्योंकि मार्च आपको पता है ना इयर एंड होता है एक तरह से हम वैसे हम बोल देते हैं कि दिसंबर एंड होता है बट फाइनेंशियली और जो एक सिस्टमेटिक ईयर एंडिंग होता है वो हमेशा मार्च होता है ठीक है ना हाँ तो इसलिए मार्च के करंट ज्यादा हैं, ठीक है इंडियन बैंक एसोसिएशन अध्यक्ष और मैं दूसरी क्लास पे लेके नहीं जाना चाहती आपको मिली जाएगी एक क्लास में मार्च खत्म है बढ़िया लगता है मुझे ऐसे इंडियन बैंक एसोसिएशन अध्यक्ष इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो एम डी राव बने हैं ठीक है ध्यान रखेंगे इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो एम डी राव बने हैं जिसको हम मातम मतलब एम डी राव मातम वेंकटा राव ठीक है इनका जो पूरा नाम है मातम वेंकटा राव इस तरीके से एमडी राव ही लिखा मिलेगा आपको इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष है पहले अतुल कुमार जी थे ध्यान होगा आपको ठीक है अतुल कुमार गोयल मैंने लास्ट जीएस में आपको करवाया था ठीक है तो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष एमडी राव बने हैं आपको ध्यान रखना है पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देविंदर झाजरिया बने हैं पहले दीपा मलिक थी अब आपको ध्यान रखना है देविंदर झाजरिया हाल फिलहाल चेंज हो गए हैं पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष आपका पेपर अपडेटेड होगा तो ये ऑप्शन मिलेगा अपडेटेड नहीं होगा तो दीपा मलिक मिलेगा ठीक है कई बार पेपर भी ऐसे ही होते हैं इसरो ने आपको पता है चंद्रयान थ्री भेज के एक नए झंडे गाड़े हैं मतलब चंद्रयान थ्री भेज के तो इसरो को एक अवार्ड दिया गया है लॉरेटस नाम से ठीक है लॉरेटस अवार्ड कुछ यूनिक करने के लिए दिया जाता है तो इसरो ने चंद्रयान थ्री मिशन भेज के यूनिक किया है साउथ पोल पर आ, मिशन भेजने वाला पहला मैंने चंद्रयान के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है जिसने नहीं देखा देख लेना बहुत मस्त वीडियो थी वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मतलब मुझे लगता है कि वो वीडियो काफी अच्छी है चंद्रयान वाली जिसने नहीं देखी देख लेना ठीक है जीएस की क्लास नंबर फोर है तो अवार्ड को अमेरिका में दिया गया है तो इसको अमेरिका में जो इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रिया रंगनाथन उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है मतलब इसरो की तरफ से ठीक है इस अवार्ड को रिसीव किया है अभी हाल फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं इनको कहां पर चीफ गेस्ट बुलाया गया था तो मोरिशस में बुलाया गया था आपको ध्यान रखना हाल फिलहाल भूटान का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड होता है वो भी आपको ध्यान रखना है ठीक है गणित एबल अवार्ड है मैथ्स के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है नॉर्वे का मिशेल टेला ग्रेंज को मिला है सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है ठीक है ये आपके भूटान के अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ ट्रुक ग्योलपो ठीक है द ऑर्डर ऑफ ट्रुप ग्यल्पो ये भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को मिला है ये उस अवार्ड का नाम है ठीक है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 टीएम कृष्णा को मिला है एम स्वामीनाथन अवार्ड जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बी आर कंबोज को मिला है ठीक है वो किसको मिला है भाई बी आर कंबोज को मिला है क्लियर तो आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कंपाइल मार्च मंथ करंट अफेयर इससे पहले भी मैंने मार्च मंथ के ऊपर एक वीडियो बना रखी है वीडियो आपने मैं प्लेलिस्ट के अंदर तुरंत ऐड कर देती हूँ प्लेलिस्ट जैसे अपने चैनल पर होता है वीडियो लाइव प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जीए जीएससीए प्ले लिस्ट ठीक है उसके अंदर ये वीडियो सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगी इससे पहले फरवरी के भी है जी आई टैक्स की भी है इससे पहले जनवरी के खास भी है तो एक तरह से 2024 को मैं बिल्कुल सीरियसली लेके करवा रही हूं क्योंकि मुझे ये पता देखो आप है ना जो भी लोग ऐप के हैं या यूट्यूब के हैं मेरी बात सुनो करंट अफेयर के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो क्योंकि मान लो ऐप पर आप करंट अफेयर कर रहे हो अब ऐप दो हजार भी करवाई दो भी करवाई पेपर इतना लेट हो रहा सारी वेस्ट होगी क्योंकि ना दो से क्वेश्चन पूछने वाला अब वो हाँ दो हजार बाईस के एंड से पूछ सकता है

संतोष स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है अचीवर एकेडमी अपना ऑफिशियल टेलीग्राम है अचीवर एकेडमी निशा शर्मा ठीक है ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आप इस पर देख लो ये पीडीएफ मैंने डाल दी है पूरी टेंशन ना लो ठीक है क्लियर भाई तो ये थी आज की क्लास होप सो आपको अच्छी लगी होगी आप जो क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं आज शाम को आपको ऐप आप के ऊपर क्रैश कोर्स मिल जाएगा उसी के ऊपर काम हो रहा है मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ जैसे ये तो है चंडीगढ़ पीआरटी का फुल कोर्स और ये है चंडीगढ़ पीआरटी का क्रैश कोर्स जो आपको विजिबल हो जाएगा आज शाम तक अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कहीं बाद में कहो कि मैम आपने बताया नहीं है ये नहीं है क्रैश कोर्स का प्राइस आपको बहुत कम मिलेगा कोई डाउट नहीं है फुल कोर्स की कंपेरिजन में लेकिन फुल कोर्स के बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है फुल कोर्स में आपको हर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर हिंदी है यहाँ पर इंग्लिश है मैथ है रीजनिंग है जीएस है हिस्ट्री है ज्योग्राफी है पॉलिटी है और जो भी मतलब चंडीगढ़ में आ रहे हैं आईसीटी है और आपका पंजाबी है वट जो भी है आपको यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हंड्रेड परसेंट मिलेंगे हंड्रेड परसेंट का मतलब क्या है जीरो से हंड्रेड परसेंट टॉपिक आपके मिलेंगे क्योंकि मैंने पहले जीरो से हंड्रेड परसेंट डाले थे फिर चंडीगढ़ पी ने कुछ टाइम के बाद आपको याद होगा टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया था तो जब चंडीगढ़ पीआरटी ने टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया था तो इन्हीं बैच के अंदर मैंने फोल्डर बना दिया था ऑफिशियल सिलेबस के नाम से ऑफिशियल सिलेबस का मतलब क्या है जो टॉपिक वाइज सिलेबस होता है वो बना दिया गया था ठीक है और ये जो बैच है आपका जो मेन कोर्स है फुल ये आपका ईयर ईयर वैलिड वैलिड है मतलब आप इसको एक बार खरीदते हो तो एक साल तक ये बैच आपके पास है आप कहोगे मैडम हमें एक साल क्या करना है मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ चंडीगढ़ का एग्जाम हो गया अट्ठाईस अप्रैल को उसके बाद दिल्ली का भी तो एग्जाम आपने भर रखा होगा चंडीगढ़ का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप तैयारी तो करते रहोगे ना अब जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनको डीएसएसबी पेपर वन के लिए कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है इसी के अंदर इनका DSSB, पेपर वन भी कवर हो जाएगा कहने का मतलब एक साल तक ये बैच आपके पास है टीजीटी चंडीगढ़ है दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कवर हो जाएगा कहने का मतलब फुल कोर्स के अंदर आपको हंड्रेड सब्जेक्ट भी मिलेंगे साथ में ऑफिशियल सिलेबस भी मिलेगा और ये पूरा आपका यहाँ पर कवर होता है वन ईयर वन ईयर के बाद आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो यहाँ पर आपका एक तरह से लाइफ टाइम चलेगा न ईयर के बाद आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो 50 परसेंट फीस के साथ आपके बैच को फिर से एक्सटेंड कर दिया जाता है अगले एक साल के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं ये ऐसे चलता रहता है और इसके अंदर अपडेशन हम करते रहते हैं अब बात आ जाती है क्रैश कोर्स जो आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे हो वैसे मेरा मूड नहीं था बट आप इतना क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड है तो इसीलिए मैं फाइनली आज, आज आपको दो से चार घंटे के बाद क्रैश कोर्स अचीवर एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा चंडीगढ़ क्रैश कोर्स फिर उसके सबसे ऊपर है चंडीगढ़ पीआरटी कंप्लीट बैच क्रैश कोर्स पे क्लियर लिखा होगा क्रैश कोर्स ठीक है क्रैश कोर्स में क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि मान लो हिस्ट्री है ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अब हिस्ट्री एक सौ तो परसेंट है इस बैच के अंदर साथ में जो ऑफिशियल टॉपिक आए थे वो भी है क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा जो ऑफिशियल सिलेबस आया था क्योंकि ये क्रैश कोर्स किसका बन रहा है भाई चंडीगढ़ पीआरटी का समझ रहे हो तो चंडीगढ़ पीआरटी वालों ने जो ऑफिशियल सिलेबस दिया था आपको इसके अंदर वो सारा मिलेगा ठीक है कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा समझ रहे हो ऑफिशियल सिलेबस जो चंडीगढ़ पीआरटी का है वो सारा मिलेगा लेकिन उसके अलावा आप सोचो कि भाई यहाँ पर पूरा इंग्लिश हो पूरी हिंदी पूरी हिस्ट्री पूरी ज्योग्राफी वो पूरा जो सो परसेंट होता है जीरो वो यहाँ पर है क्योंकि ये चंडीगढ़ पीआरटी का क्रैश कोर्स है तो यहाँ पर जो ऑफिशियल टॉपिक्स होंगे जो चंडीगढ़ के सिलेबस में है तो जो आपके सिलेबस में लिखा पड़ा है ना वो सौ आपको यहाँ पर मिलेगा साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगी साथ में यहाँ पर जो रिविजन सेशन हमारे ऐप पर चल रहे हैं वो रिविजन सेशन आपको इसके अंदर क्रैश कोर्स के अंदर मिलेंगे ठीक है रिविजन सेशन भी मिलेंगे क्लियर तो ये भी यार रिविजन सेशन से नाम आया एक बजे पॉलिटिकल की है और तीन बजे ज्योग्राफी की रिविजन है ठीक है तो रिविजन सेशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं क्लियर लेकिन यहाँ पर जो एक कमी है बस ये कमी है इसमें Content में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यहां पर आपको ये सिर्फ आपका एग्जाम है अट्ठाईस अप्रैल तो इसकी जो वैलिडिटी है ये एक महीना मतलब आपके एग्जाम तक ही रहेगी मान लो आपका एग्जाम नहीं होता मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ मान लो आपका एग्जाम नहीं होता तो ये बैच एक्सटेंड नहीं किया जाएगा क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है लिमिटेड टाइम के लिए टू द पॉइंट पढ़ना लेकिन एग्जाम यहां पर निकल जाएगा क्योंकि कंटेंट uh, यहाँ पर सब मिलेगा आपको लेकिन आपका पेपर यदि नहीं होता है तो ये एक्सटेंड नहीं होगा फिर आप चाहोगे तो इसके अंदर आप चेंज करवा सकते हो अपना जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको भर के आप इसमें चेंज करवा सकते हो लेकिन ये बैच एक्सटेंड नहीं होगा बस इतना सा ध्यान रखना क्रैश कोर्स जो बनता है वो लिमिटेड टाइम के लिए बनेगा और उस टाइम के बाद वो बैच परमानेंटली बंद कर दिया जाता है डिलीट कर दिया जाता है कहने का मतलब वो एक्सटेंडेबल नहीं होगा बस यहाँ पर ये माइनस पॉइंट है आपका ये एक्सटेंडेबल नहीं होगा और जबकि ये पूरा एक साल है ये आपका अट्ठाईस अप्रैल पेपर तक है ठीक है तो बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है बाकी कोई ध्यान रखने का कोई सीन नहीं है ठीक है Osionfish. अब कुछ बच्चे जो ये फुल कोर्स वाले हैं वो बड़ा वहम करते हैं कि मैम क्रैश कोर्स में जो है वो हमें दे देना अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो फुल कोर्स वाले तुम्हारे बैच में जो ऑफिशियल सिलेबस के नाम से फोल्डर है वो ही क्रेश कोर्स में जाएगा तो तुम्हें कोई ये नहीं टेंशन लेनी कि हाय मैडम क्रैश कोर्स हमारे में डाल दो हाई मैडम क्रैश कोर्स हमारे में डाल दो ऐसे रिएक्ट नहीं करना है आपके जो ऑफिशियल सिलेबस वाले फोल्डर हैं वो क्रैश कोर्स के अंदर आएंगे बात खत्म ठीक है चंडीगढ़ के एग्जाम के बाद आप ऑफिशियल सिलेबस के अलावा जो आपके फुल कोर्स फुल वीडियोस हैं आप उनको एक्सप्लोर करो उनको देखो मजे से ठीक है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो ये डिफरेंस है और क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा आज की डेट में अचीवर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना उसमें सबसे ऊपर आप जाओगे चंडीगढ़ फुल बैच और सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर पर ऊपर नीचे जो भी होगा आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ पी क्रैश कोर्स ठीक है डेट्स इट क्लियर भाई तो ये मैंने आपको बता दिया है आपके बहुत डाउट थे इसको लेके डेट्स वाई ठीक है सुबह बाय टेक केयर मिलते हैं रात नौ बजे अपनी चंडीगढ़ की सीरीज के साथ ठीक है और जो बहुत सारे बच्चे मैराथन मैराथन करते रहते हैं क्या यार मैराथन चैनल भरा पड़ा इतनी वीडियोज है देख लो तुम बोलो जाओगे मैराथन में ज्यादा मैराथन नहीं देखा करते बाय टेक केयर थैंक यू फीस बहुत रीजनेबल लिखेंगे अभी एक बार बना देते हैं देखते हैं ठीक है फीस रीजनेबल होगी आपको आज शाम से पहले बैच मिल जाएगा अभी क्या बजा है अभी आपको मिल जाएगा बैच अभी बना देती हूँ उसमें कुछ सब्जेक्ट अभी डाल के छोड़ देती हूँ ठीक है उसका तो आते ही बैच बना देंगे जीएस आप में